न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। देश के विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के संगठन न्यूज पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन एनडीएमसी सभागार में संपन्न हुआ। हम लोग आगे की ओर चलते हैं कार्यक्रम में। अवार्ड सेशन जो हमारे अवार्ड्स हैं इस सेशन में, उनकी हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले तो मंच पे बुलाना चाहूंगा संदीप मालवा सर, ऑल्सो हिज एक्सलेंसी राजू डोबरे जी, एम्बेसडर ऑफ रोमानिया टू इंडिया, एंड रमेश भट्ट जी, प्लीज मिस्टर ऑन द स्टेज। समारोह के दौरान पत्रकारों के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। इस बार का यह सम्मान समारोह तेजाब हमले का शिकार होने वाली महिलाओं और दिव्यांगों को सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर अमिता मारवा, उनकी वाइफ है हमारे साथ में। श्री सुनीलदान जी, द पैट्रन ऑफ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एडिटर ऑफ डे आफ्टर, गुरुराज नारायण जी। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर उत्तर प्रदेश की डॉक्टर कामनी वर्मा को एजुकेशनलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लखनऊ से यहाँ आए हैं हमारे कार्यक्रम। नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट एजुकेशन मिला हो और आपको सलाह चाहिए हो तो आपको बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है श्रवण जी से। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट एजुकेशन का अवार्ड मिला। राजधानी दिल्ली के अंदर आके भदोही से इतनी दूर से आकर के एक अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पहले तो न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये चाहे शिक्षा का जगत हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पीड़ित लोग हो या विकलांग हो जो किसी कारण से अपना अंग भंग कर रहे हैं, चाहे एसिड पीड़िता महिलाएं हो, बहनें हो हमारी, वो किसी बदले के वजह से वो पीड़ित है, उनका चेहरा झुलस गया है, अपनी पहचान उन्होंने खो दी है, यहाँ तक दो बहनों की देखा की आँखें भी नहीं रही। ऐसी स्थिति में न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है और मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। भदोही से आई हूँ, इसके पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं और निश्चित ही ऐसे पुरस्कार बहुत ही उत्साहित करते हैं हमें आगे काम करने के लिए। हालांकि काम तो चलता रहता है लेकिन कोई काम के बदले में कुछ पुरस्कार मिलता है या प्रोत्साहित किया जाता है तो और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है
और हमें देखते हुए दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं कि अगर मैडम को कुछ मिला है तो हम आगे और अच्छा काम इनसे करने की कोशिश करें। एक प्रतिस्पर्धा उठती है और दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन के नाम से चलाती हूँ, साथ में मैं पत्रकार भी हूँ और मैं अब तक करीबन 800 लोगों की सर्वाइवर लोगों की स्टोरी लिख चुकी हूँ और उन लोगों को दिल्ली में पिछले 5 सालों में मंच भी दे चुकी हूँ और उनमें से काफ़ी लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम, आज जो सम्मान किया गया ऐसा देख पा रहे हैं कि इन सम्मान के माध्यम से समाज में क्या कुछ एक मैसेज जाता है? देखिए, दिल्ली NCR में आजकल बहुत कुछ हो रहा है और बहुत गड़बड़ हो रहा है। अवार्ड के नाम पर अवार्ड बेचे जा रहे हैं, पैसे ले लेकर अवार्ड दिए जा रहे हैं, बट आज जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये एक नया आगाज है, नई शुरुआत है। और इस शुरुआत में ये कि सबसे बड़ी जो बात अवार्ड्स के लिए कही गई थी कि जब भी कोई अवार्ड दिया जाता था उसके साथ एक कैश प्राइज दिया जाता था या उसके साथ उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें जिससे वो अपने लिए कर सके वो होता था, तो यहाँ वो शुरुआत मुझे देखने के लिए मिली और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही शुरुआत हो और इन लोगों को जो सर्वाइवल्स हैं, जो अपनी लाइफ को इस तरीके से जीते हैं कि उनको वो दूसरों के लिए प्रेरणा होते हैं, तो एक नई सोच को इस अवार्ड ने एक नया मुकाम दिया। और मैं विपिन भाई को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि और मुझे गर्व है कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो समाज और देश के लिए इतना सोचते हैं। जो सर्वाइवर हैं अभी उनकी क्या एक नीड है जो बेसिक की हम चाहते हैं बेसिकली, तो सोसाइटी के जी वो खुद ये लोग तो वो हैं जो मंचों तक पहुंच गए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा जो उपेक्षित है हमारे बीच में वो दिव्यांग जो है उपेक्षित है, उनको एक हम सिर्फ कह सकते हैं कि वो बहुत मतलब लाचार और ऐसी ऐसी शब्द उसके लिए यूज़ होते हैं, बट उन तक तो कोई स्कीम पहुँच ही नहीं रही है। जितनी स्कीम सरकारें बना रही है उनमें से अगर 20% भी उन लोगों तक पहुंच जाए तो वो लोग अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं। बात अभी ज़रूरत किस चीज़ की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन लोगों को कोई रोज़गार का ऐसा मौका मुहैया कराया जाए, क्योंकि सबके लिए सबसे बड़ी बात है जो अपने पैरों पे खड़ा होगा वो कभी किसी और के लिए नहीं कभी ऐसे ही सोच रखेगा, वो खुद भी इंडिपेंडेंट होगा दूसरों को। समारोह के दौरान सूर्यभान राजपूत व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन गौड़ ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा प्रयास यह है कि हर वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ नया किया जाए।